तो दोस्तों आईएएस इंटरव्यू में महिला उम्मीदवार से पूछा गया, ऐसा कौन का फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपसे कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि इंटरव्यू में उम्मीदवार से पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन सुनने के बाद महिला उम्मीदवार ने सूझबूझ से जवाब दिया, कैनो क्रिस्टल्स एक ऐसी नदी है जो मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती है और यह नदी कोलंबिया में बहती है। फिर उम्मीदवार से पूछा गया अगला सवाल, वह कौन सी मुर्गी है जो हरे रंग के अंडे देती है। उम्मीदवार ने होशियारी से जवाब देते हुए कहा, नेडी मुर्गी हरे रंग के अंडे देती है। फिर उम्मीदवार से पूछा अगला सवाल कि किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके बताइए। फिर उम्मीदवार ने सोच विचार कर इस क्वेश्चन के जवाब में बताया कि सर सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, इन देशों में इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर नॉलेजेबल क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते रहेंगे। फिर बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा कि बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा काले लोग किस देश में पाए जाते हैं। उम्मीदवार ने अपनी सूझबूझ का प्रमाण देते हुए इसके जवाब में बताया, दुनिया में सबसे ज्यादा काले लोग हैती देश में पाए जाते हैं। फिर बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, बताइए ऐसा कौन का फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। उम्मीदवार ने इसके जवाब में बताया, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया फूल का वजन 10 किलोग्राम होता है और यह फूल मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।